वृद्धा को दिन दहाड़े घर में घुसकर जख्मी करके लूटे जाने की वारदात को टेप देकर अंजाम दिया गया था। वृद्धा के घर के सामने लॉन्ड्री चलाने वाले व्यक्ति ने ही अपराधियों को 1.5 करोड़ की नकदी होना बताया था। पुलिस ने लॉन्ड्री चालक योगेश कनुजिया आर्यानगर निवासी तथा अपराधी ललित पड़ोती जैताला निवासी को गिरफ्तार किया है। वारदात का सूत्रधार सुरेंद्रगढ़ का कुख्यात अपराधी अखिलेश उर्फ पप्पू मिश्रा फरार है। 30 अगस्त की दोपहर आर्यानगर कुराडी निवासी 72 वर्षीय श्यामल आकाशी को घर में जख्मी करके लूट लिया गया था। उनका बेटा बहू काम पर और पोता स्कूल पर गया था। क्राइम ब्रांच की सिंधबारी निरोधक टीम घटना की जांच कर रही थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस सुरेंद्रगढ़ पहुंची। पप्पू मिश्रा का नाम सामने आया। इसके आधार पर उसके अपराधी साथी ललित को हिरासत में लिया गया। उसकी जानकारी पर लॉन्ड्री चलाने वाले योगेश करोजिया को गिरफ्तार किया गया। श्यामल आकाशे ने पैतक खेती बेची थी, उससे 1.5 करोड़ रुपए मिलने का कनुजिया को पता था। उसकी 6 माह पहले पप्पू मिश्रा से पहचान हुई। पप्पू हाल ही में तड़ी पार खत्म होने से लौटा है। उसने कनुजिया को कोई टिप होने पर बताने को कहा और कनुजिया ने पप्पू को आकाशे के घर में 1.5 करोड़ रुपए मिलने का बताया। इसके बाद पप्पू ने ललित के साथ लूट की योजना बनाई। वो 2-3 दफा श्यामल का घर और परिसर की टोल लेने के लिए आया। कनुजिया ने उन्हें 11:00 के बाद वारदात को अंजाम देने की सलाह दी। दोनों 30 अगस्त को बाइक से आर्यानगर पहुंचे। श्यामल के घर से 0.5 किलोमीटर अंतर पर बाइक पार्क की और दोनों अलग अलग दिशाओं से चलते हुए श्यामल के घर पर पहुंचे। वारदात को अंजाम देने के बाद अलग अलग दिशाओं में फरार हुए। उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं किया। हर तरह का एहतियात बरतने के बाद भी पुलिस ने उन्हें खोज निकाला है। फरार पप्पू मिश्रा काफी समय से अपराध में लिप्त है। तड़ी पार होने पर भी वह सुरेंद्रगढ़ में सक्रिय था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।